जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बीएसपी पार्टी की अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद को 2+ सुरक्षा दी है। केंद्र सरकार ने धमकियों और खतरे को देखते हुए यह सुरक्षा दी है। मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, जब से ही खतरा बढ़ गया था। बताया जा रहा है आकाश आनंद को 2+ सुरक्षा करीब 1 महीने पहले ही मिल गई थी। हालांकि सुरक्षा मिलने के बाद वो कल पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में फरीदाबाद गए, तभी ये बात सामने आई। फरीदाबाद में कल संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था, सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा इस कार्यक्रम का पूरा नाम है। केंद्र सरकार ने 2+ सुरक्षा दी है, ये खतरे को देखते हुए दी जाती है। इसमें पुलिस के 11 आर्म कमांडो होते हैं, इसके साथ ही 5 पुलिस के स्टैटिक जवान भी रहते हैं। बीएसपी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उत्तराधिकारी घोषित किया था। आकाश आनंद पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मायावती ने खुद कहा था कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारी खुद संभालेंगी और आकाश आनंद दूसरे राज्यों के बारे में फैसला लेंगे। मायावती ने आकाश आनंद को 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में जनता के सामने पेश किया था। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उन्होंने लंदन से MBA भी किया है। खबर के मुताबिक आकाश आनंद जल्द हरियाणा से लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान भी शुरू करने वाले हैं। आकाश आनंद को केंद्र सरकार की तरफ से 2+ सुरक्षा मिली है, इसे लोग केंद्र सरकार का तोहफा समझ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने आकाश आनंद को कोई खतरा ना हो, इसलिए यह सुरक्षा दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।